बताइए जी, कुछ डाउट्स हाँ हैं सर, आपको? मेरे कुछ डाउट हैं और मेरे व्यूवर्स के भी कुछ डाउट रहते हैं हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड। तो उसमें क्या है, बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट कितना सेफ है। तो सर मैं आपसे पूछता हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट कितना सेफ है। यस, हेयर ट्रांसप्लांट अगर प्रॉपर क्लिनिक से किया जाए, सारी जांच और सारी तैयारियां हेयर ट्रांसप्लांट की उस क्लिनिक में अगर मौजूद हो, और सबसे सबसे मेन बड़ी बात, डॉक्टर क्या वो प्रोसीजर कर रहा है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। इस चीज़ों पर पूरा हेयर ट्रांसप्लांट की सेफ्टी निर्भर होती है। हाँ, तो सबसे बेस्ट चीज़ तो यहाँ पे मेरे को ये लगी है कि डॉक्टर साहब खुद ही मेरा ट्रांसप्लांट करेंगे, और आप भी आओगे तो आपका भी डॉक्टर साहब ही करेंगे। और सर दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि मेडिसिन जो होती हैं ट्रांसप्लांट के बाद, वो लगभग कितने दिन तक लेनी पड़ती हैं। देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंफ्यूजिंग हैं, इसके ऊपर हम लोग और एक वीडियो में आपको बताएंगे। हमने बनाया भी है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद क्या क्या दवाइयाँ ज़रूर होती हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ जो आपने नहीं पूछी है कि हेयर ट्रांसप्लांट के तुरंत बाद क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, जी तो बिल्कुल। उसमें पेन, इचिंग, फिर उसके बाद आपको स्वेलिंग, ये सारी चीज़ें आने की चांसेस होते हैं, चांसेस होते इन्फेक्शन हैं, होने बहुत के कम चांसेस है, ये नहीं बहुत कि कम, हानि आने हैं, बहुत कम चांसेस कम हैं। चांस है, पर फिर भी हम आपको दवाइयाँ देते हैं ताकि बिल्कुल ही आए ना। आएगा तो थोड़ा सा ही इन्फेक्शन हो सकता है या थोड़ा ही स्वेलिंग आ सकता है, अच्छा ऐसा अच्छा होता है, वो हर एक के बॉडी पे डिपेंड होता है। तो इसलिए हम लोग फर्स्ट 5 डेज के लिए आपको प्रिकॉशनरी दवाइयाँ देते हैं। सर्जरी के 15 दिन बाद आपकी मेन दवाइयाँ शुरू होंगी जो हेयर ग्रोथ से सारी रिलेटेड होगी, जिसमें आपका मल्टीविटामिन, फिनेस्टराइड, मिनोक्सीडिल, कौन सा शैम्पू यूज़ करना है, ये सारा आपको डिटेल में हम बताएंगे। ठीक है सर। सर मोस्टली लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि जो हमारे ट्रांसप्लांटेड जो हेयर होते हैं वो लगभग कितने दिन तक चलेंगे। ये बहुत ही प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। हम यूजुअली ये कहते हैं कि थिंक पॉजिटिव, अगर आप अपना अच्छी तरीके से ध्यान रखोगे, जैसे मैंने आपको कॉजेज में बताया, बिल्कुल। स्लीप पैटर्न चेंज हो गया, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, न्यूट्रिशनल पैटर्न अगर बदल गया, जगह चेंज हो गई, पानी चेंज हो गई, वो सारी चीज़ें बालों पे इफेक्ट करती है। तो आज आपकी जो एज है, आपकी एज में आहिस्ते आहिस्ते चेंजेस आते रहेंगे, और बिल्कुल उसके सर, साथ आपको इसका भी मेंटेनेंस करते रहना है। बीच में पीआरपी, अगर डॉक्टर से कनेक्ट में रहना है, सबसे मेन मैं हमेशा कहना चाहता हूँ, आप जहाँ से भी हेयर ट्रांसप्लांट करो, डॉक्टर से कनेक्ट में रहो, 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, बीच में पीआरपी करते रहो। कैसे करना है, कितना ड्यूरेशन में करना है, क्या दवाएं करनी है, वो डॉक्टर पे छोड़ दो। ठीक है सर, ठीक है। और सर इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये सर्जरी कितने घंटे की होती है, यानी ऐसे तो नहीं कि लोगों को बेहोश कर देते हैं या बिल्कुल होश में नहीं रहते वो हाँ, लोग, ये या बहुत फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत क्वेश्चन सा डाउट रहता है कि है। बिल्कुल बेहोश कर देंगे, पता नहीं रहती। यस, तो मैं तो इसमें बताना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा उन्होंने। देखिए कैसे होता है, दो टाइप के एनेस्थेशिया होते हैं यूजुअली, एक होता है जनरल एनेस्थेशिया और एक होता है लोकल लोकल, एनेस्थेशिया। ठीक है। जनरल एनेस्थेशिया का मतलब है कि आप पूरे तरह बेहोश हो, आपको पता ही नहीं है क्या चल रहा है। हाँ, वो बड़े बड़े सर्जरी में होता है। अच्छा हेयर अच्छा ट्रांसप्लांट एक ऐसी सर्जरी है जो स्किन में हम करने वाले हैं, नीचे से रूट्स पीछे से निकालने वाले हैं, तो हमें ज़रूरत क्या है, पीछे का एरिया सुन करने की, तो हम लोकल एनेस्थेशिया देंगे। पीछे का एरिया सुन करेंगे, वहां से बाल निकालेंगे और आगे के एरिया को सुन करेंगे उसके बाद, और वहां पे होल्स करेंगे यानी कि स्लिट, और उसके बाद इम्प्लांटेशन करेंगे। सर काफ़ी मेथड हैं हेयर ट्रांसप्लांट के जो लोग बताते हैं कि इससे बेस्ट कंफ्यूजन रिजल्ट आएगा, बेस्ट कंफ्यूजन रिजल्ट आता है। है। हाँ, तो कौन सा मेथड बेस्ट रहता है हेयर ट्रांसप्लांट का जिससे अच्छे से अच्छा रिजल्ट आए। देखो, हर क्लिनिक का अलग अलग एजेंडा होता है, हर क्लिनिक जो उन लोगों को मेथड से एडवांटेज हो रहा है या रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो हमेशा वो लोग ट्राई करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कोई भी क्लिनिक ऐसा नहीं चाहता कि उनके पेशेंट का कुछ बुरा हो, हम हमारे तरफ से पूरी जान लगाने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम हमारे पास फ्यूजन एस्थेटिक क्लिनिक में बोले तो दो मेथड्स यूज की जाती है, एक है बायो एफयूई और एक है बिग एफयूई। सो ये टेक्निक्स के ऊपर निर्भर है, और ऐसे नहीं कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, इसमें कोई ये नहीं है, बट ये सारी टेक्नोलॉजीज के ऊपर डिपेंडेंट है। बायो एफयूई जो इकोनॉमिकल, जो एवरीडे बेसिस पे हम लोग करते हैं, बिग एफयूई जो प्रीमियम, जो एडवांस टेक्नोलॉजीज अभी अवेलेबल है फिलहाल इंडिया में या वर्ल्ड में जो अवेलेबल है, वो हम उसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है सर। और सर सबसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे रिजल्ट ज्यादा कि रिजल्ट कब तक कब आएगा। आएगा। तो ये हम हमेशा कहते हैं, तो थोड़ा हम स्टार्टिंग से करेंगे कि जब भी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी होती है, हम लोगों को ये जानना है कि
तीसरे हफ्ते से चौथे हफ्ते तक आपका शेडिंग फेस शुरू, शेडिंग फेस हाँ। एक महीने से लेके चार साढ़े चार महीने तक आपका शेडिंग फेस चलता है, कुछ आते हैं कुछ जाते हैं, कुछ आते हैं कुछ जाते हैं, ऐसे चार साढ़े चार महीने तक चलता है। फिफ्थ मंथ से थोड़ा प्रेजेंटेबल दिखना शुरू होता है, थोड़ी बाल की ग्रोथ होनी शुरू होती है। सिक्स्थ मंथ से लेके एट्थ मंथ तक कंप्लीट रिजल्ट, यानी कि जैसे पीछे की बालों की आपकी लेंथ है वो आगे आ जाती है। सो एट मंथ का पकड़ के चलिए। ठीक है सर, ठीक है, बस यही डाउट है। थैंक यू।